नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर देसाई से, जो हमसे बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कॉमन आई प्रॉब्लम्स, कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम आ गए हैं ताराबाई देसाई नेत्र चिकित्सालय में, और यहाँ चल के चलिए मिलते हैं। ये हॉस्पिटल है, बहुत 40 साल पुराना हॉस्पिटल है यहाँ जोधपुर में, और यहाँ के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर संजीव देसाई, उनसे हम बात करेंगे कि आँखों संबंधित बीमारियों से कॉमन प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, क्या होती हैं, उनका क्या निवारण है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर संजीव देसाई से। नमस्ते, आज हम आए हैं ताराबाई आई हॉस्पिटल में, और मेरे साथ बैठे हैं यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजीव देसाई, और आज इनसे मैं, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। और आज मैं इनसे कुछ सवाल आंखों से रिलेटेड पूछने वाली हूँ, क्योंकि ये हॉस्पिटल लगभग करीब 40 साल हो गए, 40 साल से चल रहा है और बहुत फेमस हॉस्पिटल है। तो आइए, इसका लाभ आप लोग भी उठाइए मेरे साथ, एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर साहब से। तो चलिए डॉक्टर साहब, ये नेत्र के रोग के उपचार कैसे होते हैं, मतलब किस तरह के, क्या आपके पास मरीज कैसे कैसे मरीज आते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भारतवर्ष में जो नेत्र रोग होते हैं वो पाश्चात्य जो कंट्रीज हैं उनके नेत्र रोगों से भिन्न होते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मोतियाबिंद की तादाद बहुत ज्यादा है, करीब 75% जो बीमारियां आती हैं आंखों की, वो अंधापन जो होता है वो मोतियाबिंद से होता है, और पाश्चात्य सभ्यताओं में ऐसा नहीं होता, वहाँ की परसेंटेज मोतिया की बहुत कम है। दूसरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की है हिंदुस्तान की, वो है दृष्टि दोष। करीब 20% अंधापन दृष्टि दोषों की वजह से होता है। दृष्टि दोष मतलब जैसे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, दूर दृष्टि दोष, फार साइटेडनेस, ठीक है ना, और उम्र के हिसाब से जो नज़दीक में अपने को देखना कम हो जाता है, दिखना, प्रेस बायोपिया जिसे कहते हैं, तो ये दृष्टि दोष भी आंखों को अंधा बना देते हैं। दुर्भाग्य से यहाँ के लोग चश्मा नहीं लगाते, तो उस वजह से अंधे रह जाते हैं, और इसका सरल उपाय है चश्मे लगाना। नहीं मतलब आपकी आईसाइट कम है तो लगाना है या रूटीन में लगाना? नहीं, आईसाइट कम है तो लगाना है, जैसे ही आपको आईसाइट कम आए आपको चश्मा लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो दूसरा प्रमुख कारण ये है। उसके बाद आता है अपना जो पारदर्शी गठन है आपके ऊपर, जिसे कॉर्निया कहते हैं अंग्रेजी में, उसके विकार, उसकी बीमारियां, जैसे कि अल्सर हो जाना, घाव हो जाना आपके ऊपर, इन्फेक्शन हो जाना, तो ये आता है। फिर काला पानी की बीमारी है, और अब जो नई बीमारियां उत्पन्न होकर आ रही हैं बड़े पैमाने पर, वो है डायबिटीज से उत्पन्न दृष्टि दोष, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो डायबिटीज किसी भी व्यक्ति को होती है तो कभी ना कभी वो आपके पर्दे को इफेक्ट करती है, और आंख का पर्दा खराब होना शुरू होता है, जिससे कि दृष्टि धीरे धीरे लुप्त होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब आदमी अंधा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी कि जिसको डायबिटीज है ना, और कंट्रोल में नहीं है या नॉर्मल भी है, तो उसको कितने समय से अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए आंखों में, क्योंकि आप कह रहे हो कि डायबिटीज की वजह से ये असर आएगा ही, तो कितने टाइम से उनको चेकअप कराते रहे ताकि उनको पता लग जाए कि हमारी आईसाइट में, आईज में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, और हमको क्या क्योर करना है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जिस दिन रोगी को डायबिटीज का पता पड़े, आंखों का पहली जांच उसी दिन होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डायबिटीज पता पड़ते पड़ते भी समय लगता है, और उस 2-3-4-5 साल जब तक वो डायबिटीज रही हो, उसमें भी आंखों में विकार उत्पन्न हो सकता है। तो करीब 5% डायबिटिक के रोग ऐसे होते हैं, डायबिटीज के रोगी, जिनके ऑलरेडी आंख में विकार उत्पन्न हो चुका होता है। तो इसलिए पहला जांच जो है वो जब करानी चाहिए जब पहली बार डायबिटीज का पता चले, और तत्पश्चात हर वर्ष में एक बार तो उनको आंखों की जांच करानी ही चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, डायबिटीज चाहे काबू में रखें या शुगर का कंट्रोल ना हो, दोनों अवस्थाओं में आंख के अंदर तो विकार उत्पन्न होना ही है, निश्चित है। जो डायबिटीज में शुगर अच्छी कंट्रोल में रखते हैं, तो उनमें ही आंखों का विकार जो होता है वो बहुत लेट होता है, कई वर्षों के बाद होता है। मैंने 35-35 साल से डायबिटीज के मरीज देखे हैं, जिनको 35 साल से डायबिटीज है मगर आंखों में कोई विकार नहीं है, शरीर में कोई विकार नहीं है, क्योंकि डायबिटीज उनकी अच्छी कंट्रोल थी।
और कई ऐसे भी हैं जिनके अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो उनके 5 साल में 6 साल में आंख में विकार होकर अंधापन आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, डायबिटीज़ का अच्छी तरह से कंट्रोल रखें और हर साल में एक बार आंख के पर्दे की चेकिंग करें, ताकि जैसे ही पता पड़े कि कोई विकार उत्पन्न हो रहा हो तुरंत उसी समय उसका उपचार किया जाए और बीमारी वहीं पर स्थगित कर दी जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर जैसे कोई रोग हो जाता है डायबिटीज के, जैसे कोई आपका आ गया, तो उसका सबका रोग का निवारण तो है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आदमी का उसका कोई इलाज ही नहीं है, जैसे कोई डायबिटीज से कोई बीमारी आ गई तो उसका इलाज तो पॉसिबल है ना? इलाज संभव है, बिल्कुल संभव है, शर्त ये है कि वो सही टाइम पे आए। सही टाइम पे नहीं आएगा तो उपचार संभव नहीं है, क्योंकि काफी लेट आते हैं तो परिवर्तन स्थायी रूप से अंदर आंख में हो जाता है और फिर उसको चेंज करना हटाना मुश्किल है। अच्छा, मतलब लाइट में आए तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं रहता कि वो पूरा चीज डैमेज हो चुकी होती है, तो आप कर नहीं सकते। लेट आए तो डैमेज पूरा हो गया होगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, पर शुरू में ही पता पड़ जाती है तो लेजर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उससे बीमारी को वहीं रोक सकते हैं, या बीच में मैक्यूला में अगर पानी भर जाता है जैसे मैक्यूलर एडिमा कहते हैं, तो उसका भी सुई लगा के उपचार कर सकते हैं और नजर बचा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान रखने का है कि हर साल में एक बार तो चेक, मतलब ये है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज है, उनके लिए बहुत घातक चीज है, तो आंखों में बहुत जल्दी असर होता है। तो वो जो भी डायबिटिक पेशेंट ये सुन रहे हो, तो वो अपना टाइम से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, मतलब आई चेकअप के लिए रूटीन में जाते हैं 6 महीने से साल भर में, ताकि पता रहे कि वो किस स्टेज में उनकी आईज की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी, नहीं तो बाद में क्योर नहीं होगा, अगर वो रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे तो पता नहीं लगेगा इन चीजों का, तो मेन ये चीज। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। दूसरा जो बीमारी अभी बड़े व्यापक रूप से बढ़ रही है हिंदुस्तान में, वो है एज रिलेटेड डिजेनरेशन। अमरीका में और पाश्चात्य सभ्यताओं में ये नंबर वन कारण है अंधतापन का, हिंदुस्तान में अभी नहीं है मगर तीव्र गति से ये बढ़ रहा है। रो क्यों? क्योंकि अपनी एवरेज लाइफ स्पैन है जो हिंदुस्तानी लोगों की, वो भी अब बढ़ गई है, तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे एज रिलेटेड डिजनरेशन अपने सारे शरीर में उत्पन्न होने चालू होते हैं और आँख में भी होते हैं, तो ये अपने यहाँ पर भी अब काफ़ी मात्रा में देखने को आ रहा है, तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि 40 साल के बाद हर वर्ष में एक बार हर व्यक्ति आंखों के डॉक्टर से अपनी आंखें जरूर चेक कराएं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम एज रिलेटेड या अदरवाइज कोई हो तो तुरंत ही पकड़ाई में आ जाए, उसका तुरंत उपचार हो सके। तो ये डॉक्टर साहब का मेन सेकंड वाला जो महत्वपूर्ण ये है पॉइंट ये कि जी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो आंखों में विकार हो सकता है, तो हर साल एक बार अपना आई चेकअप रूटीन चेकअप में अपने आई चेकअप को भी रूटीन में इस्तेमाल करें, ले इसको, और ताकि कोई भी अगर बीमारी हो रही हो या कोई भी चेंजेस आ रहे हो तो वो पकड़ में आ जाए और आप अपनी आगे वाली जिंदगी अच्छे से जी सकें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि दृष्टि दोष अपने यहाँ बहुत है, 20% जिसे कहते हैं जिसमें चश्मे लगाने की जरूरत पड़ती है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और उम्र से आया हुआ दृष्टि दोष, ये बहुत है, लोग चश्मा नहीं लगाते हैं बच्चों में स्पेशली, मतलब ये हुआ आई साइड वीक हो जाती है, वीक आई साइड हो जाना, पास की कम हो जाती है, किसी की दूर की आई साइड कम हो जाती है, वो दृष्टि दोष में आता है, या उम्र के साथ आपकी आंखों में जो कमी आ जाती है, तो उसमें लोग बाग चश्मे नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। और अमूमन मैंने देखा है छोटे बच्चों के माता पिता तो बिल्कुल नहीं लगवाना चाहते, वो सोचते हैं कोई कसरत बता दो, कोई दवाई बता दो ताकि आँख की नज़र ठीक हो जाए। ऐसा कोई संभव नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी मैजिक रेमेडी नहीं है, जादुई दवाई या कोई कसरत नहीं है जिससे दृष्टि दोष ठीक हो सके, उसके लिए तो चश्मा ही लगाना पड़ता है। यदि चश्मा नहीं लगाते हैं बच्चे तो उनकी रोशनी धीरे धीरे सो जाती है और फिर एक समय आता है कि उनको कुछ नहीं दिखता, फिर वो बढ़ानी उस दृष्टि को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब पता पड़े कि दृष्टि दोष है तो तुरंत चश्मा लगाने में ही समझदारी है। तो डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हो कि बच्चों में भी आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाई जाती है, मैं देखती हूँ आजकल बच्चे भी चश्मा लगा लेते हैं। हाँ जी। तो अगर किसी के पेरेंट्स की सुन रहे हो और उनके बच्चों को अगर है तो वो बच्चों को चश्मा जरूर लगवाएं, ताकि बड़े नहीं कम हो सकती है ना लगाने से, और नहीं लगाएंगे तो आईसाइट बढ़ेगी। और मैं ये कह रही थी डॉक्टर साहब की जो ये लोग जो बच्चे हैं वो आजकल लैपटॉप में और आपका मोबाइल में जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बैजू क्लासेस आजकल बैजूस क्लासेस ऐसी ऑनलाइन क्लासेस, उसमें कंप्यूटर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उसका कितना असर होता है आंखों में? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि आजकल दुर्भाग्य से क्या है कि कोविड की वजह से सभी ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी,
दो साल तक चली और अब भी काफ़ी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह चलती है, तो जब भी बच्चा ऑनलाइन काम करता है तो निकट में देखने को पड़ता है उसको, लैपटॉप देखता है, स्क्रीन देखता है, मोबाइल फोन्स देखता है, तो जितना ज़्यादा नज़दीक का काम करते हैं उतना अपने को जो मायोपिया नाम की बीमारी होती है, निकट दृष्टि दोष, वो बढ़ता है। तो ये आम तौर पे लोग समझते नहीं हैं, और जितना ज़्यादा नज़दीक का काम करते हैं उतना वो मायोपिया की बीमारी बढ़ती है और माइनस नंबर का चश्मा बढ़ता जाता है। तो अपने को चाहिए कि जितना कम काम करें अपन मोबाइल पे उतना बढ़िया है। अगर ज़रूरत है घंटा पर दो घंटा ऑनलाइन क्लास करने की तो भले मोबाइल सेलफोन पे स्क्रीन पे देखें और करें, अन्यथा ज़बरदस्ती के व्हाट्सएप या गेम्स उस पे नहीं खेलें। गेम्स तो बड़े डेंजरस हैं, लोगों की बच्चों की मौत भी हो गई है खेलते खेलते। अभी रिसेंटली पिछले 5-6 महीने में 3-4 कैसे केस आए हैं। तो इसमें इतना इंग्रॉस्ड हो जाता है बच्चा कि उसको सुध बुद्ध नहीं रहती क्या कर रहा है। तो जितना ज़्यादा खेलेंगे अपन अपने लिए घातक है, जान के लिए भी घातक है और आंखों की दृष्टि के लिए भी घातक है। उससे भी बढ़िया चीज़ ये है कि अगर काम करना ही है अपने को ऑनलाइन तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे ना करें, क्योंकि उसमें नीली किरणें भी आती हैं जो आंखों के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। हाई एनर्जी की नीली किरणें निकलती है सेल फोन से, वो डेंजरस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है जो आंखों के लिए और शरीर के लिए घातक होता है। तो उससे बढ़िया ये चीज़ है कि बड़ी स्क्रीन पे काम करें। सेल फोन से ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है टैबलेट या लैपटॉप, और सबसे बड़ी चीज़ अच्छी चीज़ होती है बड़े स्क्रीन वाला टीवी या बड़े स्क्रीन वाला पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो उसमें दूर भी बैठता है बच्चा, रेडिएशन भी इतने नहीं आते, तो इसलिए बचाव अच्छा रहता है, मायोपिया भी प्रोग्रेस नहीं करता, दूसरी भी बीमारियां नहीं होती है। तो ये डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों के पास मोबाइल से ही सारा काम कर रहे हैं। टीवी में लैपटॉप, पहले जो डेस्क कंप्यूटर होता था लोगों के घरों पे होता था, आजकल तो हट गया, लैपटॉप ने ले लिया, और लैपटॉप भी हट गया, लोगों ने आजकल मोबाइल में ही शुरू कर दिया, यूट्यूब देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, सब उसमें। तो ये हर एक बच्चों के अलावा बड़े लोगों के लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है ना सर? बिल्कुल सही बात कही आपने, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए हार्मफुल है, क्योंकि सेल फोन की स्क्रीन में से निकलती है ब्लू रेज जो बहुत घातक होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो भी बहुत घातक होता है शरीर के लिए, आंखों के लिए भी, शरीर के लिए भी। तो इसलिए लोग इसको कहते हैं कि स्मार्टफोन है, मैं इसे स्मार्टफोन नहीं कहता हूँ, मैं इसको इडियट फोन कहता हूँ। तो डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि हर एक उम्र के लोग जो भी मोबाइल यूज करते हैं वो कम से कम यूज करें, करना क्या है, आप फोन सुन लें ज्यादा से ज्यादा, आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब या कोई चीज देख रहे हैं मूवी, क्योंकि उससे ब्लू रेज और दूसरी वाली क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं जो आंखों के लिए बहुत घातक है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, सबके लिए घातक है। तो अगर आपको अपनी आंखों की सुरक्षा चाहिए तो इसका ध्यान रखें, मोबाइल फोन का उपयोग कम से कम करें, अगर आपको करना ही है तो टीवी में देखें, लैपटॉप में देखें या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में देखें। डॉक्टर साहब, ये प्रेस बायोपिया क्या होता है, और 40 साल के बाद ये प्रेस बायोपिया का कहते हैं खतरा बहुत अधिक हो जाता है, तो इसके बारे में आप बताएंगे? प्रेस बायोपिया देखिए बहुत सरल चीज है, जैसे जैसे अपनी बॉडी एज करती है वैसे वैसे शरीर के हर अंग में प्रॉब्लम आती है और वो काम करना थोड़ा कम कर देता है। उसी तरह से आंख में भी जब एज रिलेटेड दुविधा आती है तो आंख का जो लेंस होता है जिससे हम चीज़ें केंद्रित करते हैं अपने पर्दे पे, उस लेंस में परिवर्तन होने चालू होते हैं उम्र के हिसाब से, एज रिलेटेड परिवर्तन। तो उसकी वजह से वह जो लेंस आंख का अपने अंदर है उसको अपनी जगह पे रखने के लिए बहुत पतले पतले फाइन फाइब्रिल्स होते हैं जिसे जोन्यूल्स कहा जाता है, जिससे वो सस्पेंडेड होता है अपनी आँख के अंदर, तो वो भी ढीले पड़ जाते हैं। तो इन दोनों वजह से आंख के अंदर देखने की क्षमता कम हो जाती है, फोकसिंग पावर उसकी नज़दीक के लिए कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसका रिजल्ट ये होता है कि नज़दीक में व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है, तो उसके चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो 40 के बाद अमूमन लोग आते हैं, बोलते हैं हमको नज़दीक का दिखता नहीं है और पढ़ाई लिखाई करने में बड़ी आपत्ति आती है, तो चश्मा लग जाता है, प्रेस बायोपिक चश्मा कहलाता है वो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्लस के नंबर लगते हैं, तो उससे वो चीज़ ठीक हो जाती है बिल्कुल। ये एज रिलेटेड चेंज है, जिस प्रकार के उम्र के हिसाब से अपने आँख ये झुर्रियाँ पड़ जाती है शरीर के ऊपर, रिंकल्स पड़ जाते हैं, या अपने काले बाल होते हैं स्कैल्प के, वो बाल अपने सफ़ेद हो जाते हैं, उसी तरह से डीजेनरेटिव चेंज बॉडी में हर जगह होता है, तो आँख में प्रेस बायोपिया होता है।
और वो चश्मा लगाने से, सिंपल चश्मा लगाने से ठीक हो जाता है। नहीं पर इसमें ये खतरनाक है या मतलब? नहीं ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, एज रिलेटेड चेंज है, कोई खतरे की बात मतलब नहीं है इसके अंदर। आपकी अगर नहीं लगाएंगे चश्मा तो नंबर बढ़ते जाएंगे और अपने को दिखेगा नहीं अच्छा। हाँ फिर उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा और चश्मा लगाने में कोई हानि नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये पूछ रही थी कि एक ड्राई सिंड्रोम करके आंखों में जैसे सूखापन और ये ज्यादातर होता है लोगों के लिए, तो वो क्यों होता है और इसका उपचार क्या है? ये भी जो बीमारी है ड्राई आई की, ये पिछले 10 वर्षों में ही ज्यादा फैली है और इसका मतलब ये, जैसे मैं आपको समझाऊं तो आंखों के ऊपर आंसुओं की एक परत होती है, ठीक है ना, और जब भी अपन आंख झपकते हैं ऐसे तो परत रिप्लेनिश होती है, नई परत बनती है, आंसू निरंतर बनते रहते हैं और आंखों में से बह के नाक में चले जाते हैं तो अपने को पता नहीं पड़ती है। मगर जैसे ही अपन ब्लिंक करते हैं, मिनट में करीब 32 बार अपन ब्लिंक करते हैं अनकॉन्शियसली, तो वो ब्लिंक करने से अपनी जो आंखों की आंसू की परत है ऊपर वो रिप्लेनिश होती है, और जब रिप्लेनिश होती है तो उसमें नया खाना आता है, जो आहार होता है आंखों का वो उसके थ्रू आता है। मगर होता ये है कि अपनी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम आंखें झपकना अपनी बिल्कुल बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि अपन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अपन लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अपन लगे हुए हैं सेल फोन्स के ऊपर, तो एक तक अपन देखते रहते हैं तो आंखें खुली के खुली रहती हैं और वो इनवॉलेंट्री जो झपकने की प्रक्रिया है वो अपने आप बंद हो जाती है या कम हो जाती है, तो फलस्वरूप जो रिप्लेनिशमेंट होता है आपकी टीयर फिल्म का, ऊपर जो आंसू की परत है वो हो नहीं पाता है और आंखों को उचित आहार नहीं मिलता है, आंखें सूखने लगती है, जो टीयर फिल्म है आंसू की परत वो इवेपोरेट हो जाती है, सूखने लगती है, तो उसे हम कहते हैं ड्राई आई। और जब ऐसा होने लगता है तो आंखों में अपने आप परिवर्तन आता है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है, वो दिखती नहीं अपने को, जो है आंख के अंदर सूक्ष्म रूप में वो सूजन होती है और उस सूजन से फिर ड्राई आई और बढ़ती है, तो इस तरीके से एक विशेष साइकिल बन जाता है। और ड्राई आई की बीमारी आजकल कंप्यूटर यूजर्स में बहुत फ्रीक्वेंट है, 20 साल के 25 साल के जवान युवा युवती आते हैं कि कंप्यूटर पर काम करने के बाद मुश्किल आती है, आंखें में जलन मचने लग जाती है, सिर दर्द चालू हो जाता है, ये सब चीज़ें होती है, और जब टेस्टिंग करते हैं तो पता पड़ती है कि उनके आंसू की परत बिल्कुल कम हो गई है। तो डॉक्टर साहब मतलब ये है आप, ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, हाँ तो इसका उपचार मेन ये है कि अगर आपको बहुत जरूरी है कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने को रिलैक्स लें, अपनी आंखें आराम से झपकाएं करें ताकि आपका जो नेचुरल प्रोसेस है आंसू बनने का और आपकी आंखों का वो चालू रहे, मेन चीज इसका। बिल्कुल सही कहा, और इसमें तो अपने को कॉन्शियसली एफर्ट करना है कि अपन स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो अपन कॉन्शियसली उसको आंखों को झपकें बार बार, तो एक चीज तो ये करनी है। और दूसरा एक बहुत सिंपल रूल है जिसे कहते हैं 20-20-20 रूल। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर्स पे 20 मिनट काम करने के बाद 20 फुट की दूरी पे अपन अपनी दृष्टि ले जाएं और 20 सेकंड के लिए बाहर 20 फुट की दूरी पे देखें, तो 20 सेकंड तक ये छोटी सी प्रक्रिया करने से अपने आंसू भी रिप्लेनिश हो जाएंगे, अपनी जो नजदीक में देख के जो मांसपेशियां एकदम जकड़ जाती हैं तो वो रिलैक्स होंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 20-20-20 रूल। तो ड्राई आई से भी इससे बच सकते हैं, ड्राई आई के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं अपन। तो दो चीजें करनी है, कॉन्शियस एफर्ट करना है अपने को झपकने का पलकों को, और 20-20-20 रूल अपनाना है अपने को। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं भी अभी ये देखती हूँ कंप्यूटर में काम करूँ 3-4 घंटे लग जाते हैं पर ध्यान नहीं रहता, तो पर ये अब ये मैं भी करूँगी। और मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी यूज़ करते हैं अपनी आँखें कंप्यूटर में काम करते करते बीच बीच में झपकते रहें, और जैसे 20-20-20 का रूल बताया है 20 मिनट बाद दूर देखें 20 फीट तक और 20 सेकेंड तक देखें, तो इससे आपका नेचुरल प्रोसेस बनेगा, क्योंकि हमें अपने आँखों का अपने शरीर का खुद को ध्यान रखना है। लास्ट में जाके कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण चीजें डॉक्टर साहब से बतवा रहे हैं, डॉक्टर संजीव देसाई से, तो आप इसको अपने काम में यूज में लाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा डॉक्टर साहब लास्ट देख लेती हूँ ये क्या तेरा कोर्स हो गया, इसका क्या है? नहीं नहीं बेटा ये इसमें से क्वेश्चन इसमें ड्राई सिंड्रोम हो गया, मैंने कहा इसमें से देख लेते हैं ना। स्टार्ट डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली थी कि काला पानी की समस्या ज्यादातर होती है, गांव वाले भी आते हैं काला पानी हो गया, तो ये काला पानी क्या है और इसकी समस्या कब होती है और इसका उपचार क्या है और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है? काला पानी जो है जिसे अंग्रेजी में ग्लोकोमा कहते हैं, ये भी एक बीमारी ऐसी है जो कि एज रिलेटेड होती है,
और अक्सर कर ये 35 साल के बाद में पाई जाती है। क्यों होती है? उसका कारण सिंपल है कि उम्र के हिसाब से अपने आँखों में से जो निरंतर पानी बनता रहता है, जिसकी वजह से आँख का गोले में प्रेशर बना रहता है, तो उसका वो जो पानी बहने का रास्ता है वो बंद हो जाता है, तो उससे आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, उसे हम काला पानी कहते हैं। ये उसी तरह से होता है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर अपने शरीर में होता है, जो रक्तचाप होता है अपना, तो वो हार्ट अच्छी तरह से काम करता है तो वो मेंटेन रहता है, और एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। तो जैसे तरह से रक्त कोशिकाओं में ब्लड प्रेशर होता है, उसी तरह से आँख के अंदर भी प्रेशर होता है जो आँख के गोले को ठोस बनाता है। अब ये प्रेशर उम्र के हिसाब से जैसा कि मैंने बताया अगर बढ़ने लग जाता है तो उसे हम काला पानी कहते हैं, और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आँख की जो नस होती है उस नस पे वो दबाव डालता है, नस में खड्डा करता है, और जितने अंदर नर्व फाइबर जा रहे हैं, जो नसों की कोशिकाएं जा रही हैं, उनको दबाव के कारण उनका घुटन हो जाता है और घुट के वो मर जाती हैं, और जिससे कि अंधापन आता है, देखने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसे कहते हैं ग्लॉकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी, यानी काला पानी से उत्पन्न हुई आँखों की नस की एट्रोफी, ऑप्टिक एट्रोफी। तो अब जब काला पानी होता है तो ये वैसे पता नहीं पड़ता, जैसे बीपी पता नहीं पड़ता, ब्लड प्रेशर पता नहीं पड़ता, जब चेक कराते हैं या माथे में दर्द होता है, चेक कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, जब वो चेकिंग करता है तब पता पड़ता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, उसी तरह से काला पानी भी रूटीन एग्जामिनेशन पे ही पता पड़ता है। तो ये बड़ी अहम बात है कि हर व्यक्ति को 35 साल के बाद तो हर साल में एक बार आई चेकअप कराना ही चाहिए। कंप्लीट चेकअप कराने से पर्दा भी पता पड़ जाएगा और काला पानी की भी चेकिंग हो जाएगी, दृष्टि दोष है तो वो भी पता पड़ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर साल में एक बार आई चेकअप कराएं, और काला पानी है तो उसका उचित उपचार होगा। आजकल तो इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ आ गई हैं काला पानी की कि एक ड्रॉप डालने से ही दिन में एक बार काला पानी बहुत अच्छी तरह से काबू आ सकता है और ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। काला पानी का एक और कारण भी, वो भी बड़ा कारण ऐसा है कि आपको भी हंसी आएगी सुन के, कि मोतियाबिंद जब हो जाता है तो मोतियाबिंद का समय पे लोग ऑपरेशन नहीं कराते। अपने यहाँ पर ये भ्रांति है कि जब तक अंधा नहीं हो जाए आदमी मोतियाबिंद से जब तक ऑपरेशन नहीं कराते, तो आके मरीज यही बोलते हो मैंने तो बाहर दिख गया है कई वास्ते ऑपरेशन कराऊं, जबकि दिखता कितना है 1 मीटर 2 मीटर दूर, ठीक है ना। तो मोतिया इतना पका हुआ होता है पर फिर भी वो नहीं कराते हैं, क्योंकि पुरानी भ्रांति ये चली आ रही है कि भाई जब तक नहीं दिखे बत्ती दिखे जब तक ऑपरेशन कराओ। मगर दुर्भाग्य से जब लंबे समय तक मोतिया रहता है आँख में, हद से ज़्यादा पक जाता है तो वो मोतिया फट जाता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और अंदर का मसाला जो है लीक करके आँख में जाता है अंदर, और जो आंसू बहने के रास्ता होता है उनको ब्लॉक कर देता है, और फिर बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और आँख में दर्द होने लगता है, जिसे कहते हैं घोबे चलना, लाल हो जाती हैं आँख, और व्यक्ति रो के आता है, रोते रोते आता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो इसे कहते हैं मोतियाबिंद से उत्पन्न काला पानी, और अगर ऐसा हो जाता है फिर दो दो ऑपरेशन करने पड़ते हैं, मोतिया का भी और काला पानी का भी, और बड़ी मुश्किल आती है मरीज को। तो दो कारण हैं, एक तो उम्र से रिलेटेड है जैसे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं, और एक कहलाता है फेकोजेनिक ग्लोकोमा, यानी कि मोतियाबिंद से उत्पन्न काला पानी। तो इसका सार ये है कि आंखों का जो है आपको चेकअप, रेगुलर चेकअप 35 साल के बाद रेगुलर करवाना है, हर साल कराएं आप, उसको एक रूटीन बना लें कि हर साल में आप आई चेकअप के लिए जाएं, तो इससे काला पानी अगर उत्पन्न हो रहा हो तो पता लग जाए। दूसरी बात, मोतियाबिंद बन जाए तो और डॉक्टर कहे कि आपको ऑपरेट कराना है तो आप इमीडिएटली ऑपरेट कराते हैं, नहीं तो आप अगर इसको रिलैक्स करेंगे ठीक है चलने दो, तो बाद में काले पानी की में कन्वर्ट हो सकता है और आपको दो दो तरह की बीमारियां हो जाएंगी, काला पानी प्लस मोतियाबिंद, जो आपके लिए घातक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। एक मैं ये बोल पूछ रही थी, कौन से ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स ऐसा क्या है जो हम लें जिससे हमारी आंखों की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए और आंखों को मतलब फायदेमंद वाली चीजें जो हम रूटीन में ले सकते हैं? सबसे बढ़िया चीज जो आंखों के लिए है वो है विटामिन ए, और विटामिन ए जो है वो हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, तो सुआ, बथुआ, चंदलाई, मेथी, पालक इन सब में विटामिन ए होता है। अपने यहाँ पर गलत मान्यता ये है कि ये बथुआ और सुआ है ये तो गायों भैंसों को खाने की चीज है, तो उनको खाते नहीं अपन, मगर आश्चर्य की बात तो ये है कि पालक से भी अधिक मात्रा में
तीन गुना चार गुना अधिक मात्रा में विटामिन ए सुआ और बथुआ में होता है। तो ये ध्यान रखें, हरे पत्तेदार सब्जियां, सुआ, बथुआ, चंदलाई, मेथी और पालक, और इसके अलावा गाजर, कद्दू, पपीता और टमाटर, इनमें भी विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इनका सेवन अपने को करीब करीब रोज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपनी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और स्पेशली बच्चों की आंखों के लिए, क्योंकि बच्चों में अक्सर देखते हो आप बीमारी होती है रतिंदा कहते हैं जिसे, नाइट ब्लाइंडनेस। दिन में तो बहुत अच्छा दिखता है बच्चों को, पर शाम को और रात को बिल्कुल नहीं दिखता, तो रातौंधी कहते हैं या रतौंधी कहते हैं इसको। तो ये चीज जो होती है विटामिन ए के अभाव से होती है। तो अपने को बच्चों को तो स्पेशली गर्भवती महिलाओं को बहुत जरूरी है विटामिन ए। क्यों? क्योंकि जो नियोनेटल मॉर्टेलिटी होती है, बच्चा देखते हैं अपन पैदा होते हैं, कई बच्चे मर जाते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी कहलाती है, ठीक है ना। तो पाश्चात्य देशों में क्योंकि आहार अच्छा होता है मात्राओं का, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, पर हिंदुस्तान में इन्फेंट मॉर्टेलिटी ज़्यादा है। वो इसीलिए कि गर्भवती महिलाओं को विटामिन ए और मिनरल्स और दूसरे विटामिन जो व्यंजन नहीं मिलते, फलस्वरूप विटामिन ए भ्रूण में कम होता है, और जब बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसमें विटामिन ए की कमी के हिसाब से वो उनकी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी का एक बहुत बड़ा कारण विटामिन ए की कमी भी है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी विटामिन ए खाना चाहिए, विटामिन ए युक्त व्यंजन खाने चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां, सुआ, बथुआ। तो ये जो बच्चे अंधे पैदा होते हैं उसका भी ये कारण हो सकता है? उसका भी कारण होता है, पर रेयर कारण होता है, क्योंकि वो पता पड़ जाती है अपने को नवजात शिशु में आई की प्रॉब्लम है, और फटाफट उसको विटामिन ए अपन दे सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं, मगर हाँ एक माइनर कारण ये भी है। तो डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि हमें हरी सब्जियां, जो अगर आप आई से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हरी सब्जियां अपने खाने में इस्तेमाल करें, रोज करें, जिसमें पालक, बथुआ और चंदलाई मेथी पालक, बथुआ, सुआ ये आपके खाने में होना चाहिए, साथ में पपीता, आपका कद्दू, आप गाजर, ये सब भी, टमाटर, ये सब खाने में इस्तेमाल करें, और बच्चों को तो जरूर दें, क्योंकि बच्चे बढ़ती उम्र है उनकी आंखें अच्छी रहनी चाहिए, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। तो खाने में आप ये सब इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई दवाई भी हो सकती है, विटामिन ए की कोई दवाई भी ले सकते हैं? हाँ, विटामिन ए की दवाई ले सकते हैं, मगर अपन जबरदस्ती क्यों लें? हाँ, मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है आंखों में तो ले लें तो चल बिल्कुल जाएगा। जैसे रतिंदा हो गया, हाँ ठीक है, या रतिंदा अगर बढ़ जाता है, विटामिन ए बहुत कम हो जाता है, तो आंख के आगे का जो काला पटल है उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है, दृष्टि कम हो जाती है, सूख जाता है, वो उसे कहते हैं कॉर्नियल ज़ीरोसिस, ठीक है ना, या पर्दा आगे का पिघल भी जाता है और अंदर का मसाला सारा बाहर आ जाता है अगर विटामिन ए कम हो जाता है। तो ऐसी खराब स्थिति की तरफ अगर अग्रसर हो ये चीज, तब अपन विटामिन ए की सिरप पिला सकते हैं। वो डॉक्टर बताएंगे। कैप्सूल भी आते हैं विटामिन ए के, विटामिन ए की सिरप भी आती है पीने की, तो वो पिला सकते हैं। मगर नॉर्मल बच्चा है तो सबसे बेस्ट चीज है कि अपने हरी सब्जियां खिलाएं रोज कम से कम। तो ये सब इसका सार यही है कि आप अपनी मर्जी से विटामिन ए के कैप्सूल मत ले लेना, या तो आप हरी सब्जियां और ये जो सब्जियां बताई हैं, पपीता, टमाटर, गाजर, कद्दू, ये सब खाने में इस्तेमाल करें, रोजाना करें, इससे आपकी बच्चे, आपकी फैमिली, आपके बुजुर्ग सबके लिए, आंखों के लिए ये फायदेमंद होंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी कि आपको कि लोग जो हैं कुछ एक्सरसाइज भी हैं आंखों की, जो रूटीन में एक्सरसाइज करें और उससे उनको फायदा हो, कुछ एक्सरसाइज भी है क्या? कुछ ऐसे रूटीन में तो कोई एक्सरसाइज नहीं है, लोग कई वीडियोस भी मैंने देखे हैं, बताते हैं ऊपर देखो, नीचे देखो, चारों तरफ गोल गोल आंखें घुमाओ, इससे आंखों की, अच्छा बड़ी फनी बात है कि कहते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज करोगे तो चश्मे का नंबर भी उतर जाएगा। हाँ। ये बहुत बड़ी गलत बात है, ऐसी कोई दुनिया में एक्सरसाइज नहीं है जिससे आंखों का चश्मा हट जाए या नंबर कम हो जाए। अपन रूटीन में भी देखते हैं इधर उधर, तो अपनी आंखें घूमती हैं और वही एक्सरसाइज सफिशिएंट है अपने लिए, कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। कोई लेफ्ट राइट नहीं देखना, ऊपर नीचे नहीं देखना, गोल गोल नहीं घुमानी है, कोई चश्मा हटाएगी नहीं, आंखों को तंदुरुस्त नहीं करेगी। तो मतलब ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, जो ये आसपास बुरे तो आपकी स्ट्रेंथ कर रहा है, आंखों की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग के लिए कर आंखें घुमाना है, ये उसके लिए कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, मतलब आपको ये कुछ नहीं करना है। जो लोगों के अगर वीडियोस आप देख रहे हैं कि ऐसे करना, कुछ नहीं है एक्सरसाइज, कुछ नहीं है, बस खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं, अगर डॉक्टर ने बोला चश्मा लगाना है तो चश्मा इमीडिएटली लगाएं, आपका कम, अगर आपका कम नंबर है तो वो कम और कम हो सकता है, पर अगर कम नंबर है और आपने नहीं लगाया तो वो बढ़ सकता है,
तो इस हिसाब से, और 35 साल के ऊपर अगर आप हैं तो हर साल आप अपना चेकअप करवाएं, और अगर आपका मोतियाबिंद बन रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि आप 6-6 महीने से कराओ, तो 6-6 महीने से आप चेकअप कराओ, ताकि जैसे ही आपका मोतियाबिंद बन के तैयार हो जाए, पक जाए, तो डॉक्टर इमीडिएटली आपका ऑपरेशन कर दे और आप ऑपरेशन करवा भी लें। दूसरी बात, जिनको मेन चीज है, जिनको डायबिटीज है, वो पेशेंट्स अपने आंखों का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। उनकी आंखों को खतरा ज्यादा होता है, इसलिए अगर वो डॉक्टर के पास जाते रहते हैं टेम्परेरी परमानेंटली 6-6 महीने से अपने इलाज करा चेकअप कराते रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत सेफ होगा और अच्छा भी होगा। और डॉक्टर साहब, कुछ और आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक्सरसाइज की आपने बात बताई, तो मांसपेशियां जो कमज़ोर होती हैं, स्पेशली बच्चों में और कंप्यूटर यूजर्स में, वो एक स्पेशल सेट आंखों की मांसपेशियों का होता है जो कमज़ोर होता है, और जब वो कमज़ोर हो जाता है तब स्पेशल एक्सरसाइजेस बताते हैं जिसे कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो वो जब भी करते हैं, जब बताते जब भी हैं, जब आंखों की वो स्पेसिफिक सेट ऑफ मसल्स कमज़ोर हों, तो ये जो यूट्यूब पे वीडियोज आते हैं उसके अगेंस्ट हूँ मैं, क्योंकि ऊपर नीचे घुमाओ, गोल गोल घुमाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। मगर जो अगर कन्वर्जेंस वीकनेस हो गई है, तब स्पेसिफिक सेट डॉक्टर बताते हैं, वो करने से अच्छा फायदा होता है और ठीक हो जाते हैं, तो वो अलग बात है ऑल टुगेदर। बट रूटीन में कोई एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब अपने डॉक्टर कहने का मतलब अपने आप डॉक्टर मत बने वीडियो सुनने से या किसी के बोलने से नहीं करें। अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर से चेकअप करवाएं, डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे कि आपकी मसल्स की मांसपेशियां कमजोर हो गई है, तो आप इस तरह की एक्सरसाइज करें, जो भी डॉक्टर्स की होता है उनके पास चेकअप के लिए जाएं, अपने मर्जी से डॉक्टर मत बने, क्योंकि ये एक बेहद संवेदनशील जगह है, आपकी आँख बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम की है, तो इसलिए अपने आप डॉक्टर नहीं बन के डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह के अनुसार ही आप अपना काम। और कुछ बोलना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं बताना चाहूँ जिससे आपकी अपन सुरक्षा अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपन उठ के सुबह आंखों को साफ पानी से धोएं। इसका मतलब ये नहीं कि आंखों के अंदर पानी छपकें, अपन आंख बंद भी हो तो भी अपन पहुँच सकते हैं उसको गीले कपड़े से या पानी से, बंद आँखों को तो साफ रहें, फेस को वॉश करें ताकि आँखें साफ रहें। दूसरी चीज़ ये सुबह शाम करने का, उसी तरीके से दिन में कम से कम 3 बार साबुन से अपन हाथ धोएं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हाथ अपने बहुत गंदे होते हैं चीज़ों को अपन छूते रहते हैं, और फिर आँख को मलें या गाल को मलें, कुछ भी करें, तो ये कीटाणु हाथ से अपने गाल पे जाएंगे या आँख पे जाएंगे और अंदर घुसेंगे तो संक्रमण का रोग करेंगे। तो साबुन से कम से कम 3 बार अपने को हाथ दिन में धोने चाहिए। इससे संक्रमण के रोग नहीं होते, जैसे कि गुरांजनी नहीं होती है, आँखें आना अपने हो जाती हैं, वो भी संक्रमण का रोग है। गुरांजनी इंग्लिश में क्या होता है? गुरांजनी को बोलते हैं स्टाई, जो पलक की जो मार्जिन है, हाँ हाँ, इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है ना? उन ग्रंथियों में जब इन्फेक्शन चला जाता है तो सूजन हो जाती है, गांठ सी बन जाती है जो बहुत दर्द करती है, और उसमें पीप पड़ जाता है, तो बड़ी कॉमन संक्रमण का रोग है। तो ये नहीं होगा, आंखें आना होता है वो नहीं होगा, तो इस तरह से इन्फेक्शन की जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी इससे। तीसरी चीज ये कि विटामिन ए का सेवन करें सभी जने, और स्पेशली बच्चे और गर्भवती महिलाएं। चौथी चीज़ ये, यदि किसी को भी चश्मा लगता है, चाहे बच्चा हो या उम्र के हिसाब से प्रेस बायो की बायोपिया की वजह से लग रहा हो, तो उसको तुरंत ही चश्मा का उपयोग, चश्मे का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो दृष्टि और कम हो जाएगी, ठीक है ना? चौथी चीज़ ये है कि अपने को समय समय पे 35 वर्ष की आयु के बाद तो हर साल में एक बार आई के डॉक्टर से रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए, ताकि जो कई बार छुपी हुई बीमारियां होती हैं, जैसे कि काला पानी या डायबिटीज से उत्पन्न आँखों पर दुष्प्रभाव, वो सब चीज़ें अपने को पता पड़ जाएं और उनका सही समय पे उपचार हो सके। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि कंप्यूटर यूज़र हैं, और आजकल तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, तो ज़रूरत हो तो ही कंप्यूटर या सेलफोन का यूज़ करें, और कर रहे हो तो 20-20-20 रूल को याद रखें, और कोई भी तकलीफ हो, ड्राई आई बहुत बनती है कंप्यूटर यूज़ से, तो फटाफट डॉक्टर से उपचार करवाएं। तो देखा, ये डॉक्टर संजीव देसाई थे, ताराबाई आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर। इन्होंने आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतने विस्तार से और इतने सिंपल भाषा में समझाई है कि आम आदमी को अच्छे से समझ के आ गई होगी। तो आप इसमें ध्यान दें और अपना जीवन, अपनी आँखें सुरक्षित रखें। और लास्ट में जाते जाते मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछूंगी कि ये जो आई डोनेशन है,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को आई डोनेशन करना चाहिए, उसके लिए लोगों को होता है ना हम नहीं करेंगे हमारा आई, तो ऐसे क्या मतलब आपके हिसाब से करनी चाहिए, इससे कितने लोगों को फायदा होगा, तो उसके बारे में आपके हिसाब से क्या? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हर व्यक्ति को मृत्यु उपरांत अपनी आंखें दान में दे देनी चाहिए, मेरी तो ये मान्यता है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पर जो ये काला पटल अपना आँख का होता है, इसकी जो बीमारियाँ होती है कॉर्नियल डिजीजेस, वो बहुत बड़े पैमाने पे है, और उनका उपाय यही होता है कि अपन दान करी हुई आँख लगाएं और उससे अंधे व्यक्ति को दिखना चालू हो जाता है। तो वो जब भी होगा जब मृत्यु उपरांत अपन दान करेंगे। अपने यहाँ दान बहुत कम होता है हिंदुस्तान में, करते हैं बहुत लोग करते हैं, मगर इतनी तादाद में नहीं होता जितनी अपने को ज़रूरत है। तो जो डिमांड है आँखों की वो बहुत ज़्यादा है, और जो सप्लाई है डोनेशन की वो बहुत कम है। तो इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सभी को करना चाहिए कि अब दान करनी चाहिए आँखें। लोग आजकल बहुत जागरूक हो गए इसके बारे में, देहदान भी करते हैं अपने। जोधपुर में काफ़ी लोगों ने पिछले 3-4 साल में देहदान किया है, मेरे मिलने वालों ने भी किया है। तो उसी तरीके से देहदान के साथ साथ सामान्य लोगों को ये भी करना चाहिए कि देहदान नहीं करना हो तो कम से कम आँखों का दान तो कर ही दें। तो मृत्यु उपरांत 4 घंटे से लेकर 6 घंटे के अंदर अंदर वो डॉक्टर को बुला लेवें आई बैंक से और आँखें निकलवा लेवें। और आँखों की जगह आर्टिफिशियल आई पत्थर की लग जाती है, तो शरीर में और शक्ल में कोई विकार नहीं आता है। जो मृत व्यक्ति है उसकी शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। दूसरी चीज, कई लोग कहते हैं कि भाई हमको आंखें निकाल लेंगे तो ऊपर जाएंगे तो हमको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तो ऐसी बिल्कुल गलत भ्रांति है। अपना शरीर ऊपर नहीं जाता, अपनी आत्मा ऊपर जाती है और आत्मा को सब चीज़ें दिखती हैं, ठीक है ना। कोई मज़हब ऐसा दुनिया में नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म ऐसा नहीं है जो मना करता हो कि अपने को नेत्रदान नहीं करना है। तो सभी मजहबों में लिखा है कि दान हर प्रकार का करना चाहिए, और नेत्रदान में भी उसमें एक दान शामिल दान है। तो जैसे आज डॉक्टर साहब ने बताया, ये लास्ट वाला पॉइंट सब लोगों के लिए है, नेत्रदान हो, नेत्रदान आपके 4 से 6 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें पत्थर की आंख लग जाती है आंखों में, तो पता भी नहीं लगता कि आपने आंखें दान की हैं। और ये हम अपना आंखें अगर हम दान देंगे, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि दान देने वाले इतने लोग नहीं है जितने लोग अंधे हैं यहाँ पे, तो अगर आप दान देते हैं तो आप मरने के उपरांत भी आपकी आंखें पूरे दुनिया को अपनी देख सकती हैं, आप फिर भी जिंदा रहते हैं। तो इस हिसाब से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो आप ये जो भी बातें बताइए उनका आप अनुसरण करें, उनको काम में लाएं। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलूँगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी हम और आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ वापस मिलेंगे डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपको भी। चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राम राम, शबक खैर, धन्यवाद। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके, जब तक के लिए शबक खैर, बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।